स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है, ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत है। मेरे साहिब की क्या शान है, मेरे साहिब की क्या शान है, ओ मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। मेरे साहिब की क्या शान है, मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। मेरे साहिब की क्या शान है, साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा, ओ हो साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा हो। दुनिया के ही जंजाल में फिर भी तू करता रहा अपनी कृपा हर हाल में। मैं अकिंचन दास तेरा, तू मेरा भगवान है। मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। मेरे साहिब की क्या शान है, मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। मेरे साहिब की क्या शान है, साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा, साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा, साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा। मन को कोई देख न पाए, नाना नाश न चाहे, जो कोई कहे मैं मन को देखा इसकी रूप ने देखा, भाई पलक पलक में वो दिखलाए जो सपने नहीं देखा। इसका पंजा बड़ा जोरदार है, इसके पंजे की 5 उंगलियां हैं, ये पंजा किसी को भी नजर नहीं आ रहा है, इसी में आत्मा को जकड़ा है, ये पंजा बहुत तेज है, 5 उंगलियां इतनी मजबूत है एक भी उंगली से नहीं निकल पाएगा। मन अंदर बैठ करके सभी काम कराता है, चुपके से आदेश देता है सो जाओ, आप सो जाते हैं, अगर ये दिख जाए मामला खत्म हो जाएगा। मन चीने कोई बिरला वेदी, इसलिए पहले इसकी कोशिश है आप इसको समझ ही नहीं पाए, इसलिए बड़े बड़े अच्छे इसको समझ नहीं पा रहे हैं। मन चीने कोई बिरला वेदी, मन जानिया, मन मानिया तो प्रभु जानिया। अरे देखें इसका पहला उंगली है काम, कितना तगड़ा काम, प्रबल अति भयंकर महादारुण काल, गण गंधर्व यक्ष किन्नर सभे कीन बिहाल, सबको बिहाल किया, महादारुण बहुत ताकत, महारुद्र पर पहुंचे जानी, शिवजी को काम ने सताया। भाइयों देवराज इंद्र कामातुर, इंद्रसेन जब गई सबारी, इंद्र की गई बुद्धि मंत मारी, जब आई इंद्र काम बश भयो, गौतम नार छलन तब गयो, यानी ये दौरा इतना तगड़ा है, ये अटैक इतना तगड़ा है, ब्रेन को डाइवर्ट कर देता है, आदमी समझ नहीं पाता है। गण गंधर्व काम प्रबल अति भयंकर महादारुण काल, गण गंधर्व यक्ष किन्नर सबे कीन बिहाल, सबे लूटे बिरला छूटे गुरु ज्ञान दीपक जिन गए हो, ये दिखता नहीं है। ब्रेन में अपना असर, मन कैसे काम करता है, कहा जो भी कहता है मन, आत्मा कर रही है। मन तरंग में जगत भुलाना, इसका आदेश कहां से आ रहा है, कैसे फॉलो किया जा रहा है, सिस्टम कोई नहीं जा रहा है जान रहा है। मन कहाँ से आ रहा है, किस प्रकार से बुद्धि काम कहाँ से आ रहा है, क्या काम कर रहा है, आदमी नहीं जान पा रहा है। इसलिए गण यानी VIP लोगों को भी ये पटकी मारा, गंधर्व कलाकार आर्टिस्ट नर्तक नृत्य आदि करने वाले गंधर्व कहलाते, ऋषि उनको भी पटकी दे मारी, मुनि और देवा देवताओं आदि को भी,
किन्नर, किन्नर हिजड़े, उनको भी, उनको भी मारा, इतना ताकतवर। बस उस समय वो सभी चीजें प्रिय, इसके काम के पास पांच बाण हैं, मारण मरण सम्मोहन उच्चाटन वशीकरण, इनसे वो शिकार करता है और ये रहता है दृष्टि में, काम प्रगटे त्रिय के तन में, वहां से चलता है, कोई भी सुंदर नहीं लगता है। जब वो बाण चलता है तो सम्मोहन चला, प्रिय हाय तुम्हारे बिना नहीं जी सकता आदि, ये आत्मा नहीं है, ये उसके बाण, ये बाण बड़े करारे चलते हैं, ये बाण दिखते नहीं है, काम कर्मी गहलीना, साहब ये कह रहे हैं। अजी आदमी की बुद्धि हरण हो जाती है, फिर काम से अधिक क्रोध प्रचंडा, ये क्रोध भी बहुत जबरदस्त, जब ये उत्पन्न हो जाता है, दूसरी उंगलियां इसकी, ये इस पंजे की, तब आदमी को क्रोध की स्त्री हिंसा और संग रहता कुबुद्धि, जब भी क्रोध आता है हिंसा आ जाती है, तसल्ली होगी मारने से, जब क्रोध आता है तो आपको कैसा लगेगा, तमाचे मारो तब तसल्ली होगी, शांति तभी मिलेगी, बताओ, या हाथ पांव तोड़ो तभी शांति मिलेगी, हाथ पांव तोड़कर कौन सी शांति की बात कर रहे हैं, पर उस समय ऐसा लगेगा, यह है क्रोध का परिवार। क्रोध जब उठता काम से अधिक क्रोध प्रचंडा, इसने भी बड़े बड़ों की खबर ली, सनकादि को क्रोधाया, जय और विजय को श्राप दिया, तीन जन्म राक्षस बन गए, दुर्वासा को क्रोधाया, 56 कोटि यादों को श्राप देकर बस मॉडल। क्रोध तप की हानि करता है, ये सभी आत्मरूप को अनुभव करने में बाधक हैं। जब भी मनुष्य आत्मज्ञान और अपने को खालिश जानने की कोशिश करता है, ये पांचों आकर के लुटेरे लूटने लग जाते हैं। ये है मन का परिवार, ये है बहुत ताकतवर। मन अपना भेद किसी को भी लेने नहीं देता है, मन अपना पता नहीं लेने देता है, इसलिए छिपा हुआ है, रहस्य यही है, जो आगे आती है मनुष्य सोचता है यही मैं हूं, इसलिए मन पार नहीं आने देता है। मन का पहला लक्ष्य है, आप उसे नहीं समझ सके, मन का पहला ही लक्ष्य है वो गुप्त भय अपने संग सबके मन रंजन जानिए। एक व्यक्ति ने मुझे आकर कहा, गुरु महाराज जो हम अच्छे काम कर रहे हैं आत्मा है, जो हम बुरे काम कर रहे हैं मन। मैंने कहा नहीं, ये दोनों मन है, ये दोनों मन है। आइए, इस तरह से क्रोध वशीभूत करता है मनुष्य को, और इनसे भी खतरनाक तीसरी उंगली है लोभ। जब ये खोपड़ी पर सवार होता है, छल कपट दगा धोखा लोभ की स्त्री है तृष्णा, तृष्णा है, और बेटा पाप, समस्त पाप मनुष्य करने लगता है, इन्हीं के आकर्षण में पूरा विश्व काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में घिरा हुआ है ये जीवात्मा, और इनका संचालन करता मन है। इसलिए साहब करें, जस नट मरकट को दुख दे ही, नाना नाश नचावन ले, इस पंजे में आत्मा जकड़ी है। और चौथा अहंकार, ये लोभ बहुत बुरा है, जब ये आ जाता है मनुष्य समस्त पापिष्ट कर्म करने लगता है, फिर इन्हीं कर्मों का फल भोगने के लिए आत्मा को नाना शरीरों को धारण करना होता है। पंजे की चौथी उंगली है मोह अहंकार, चौथी उंगली अहंकार, बड़ा खतरनाक। ऐसा क्यों कह दिया, यूं हुआ मैं ठीक रहूं, दुनिया मुझे जाने, ये आत्मदेव नहीं कर रहे हैं, जबकि आत्म तो आत्मतम सर्वभूतेषु सब में एक जैसी है, ये मन के खेल है, उसने यूं किया, इससे बदला लूंगा, फलाना करूंगा, ये अहंकार, मैं छोटा मैं बड़ा, ये आत्मदेव नहीं है, ये भी बड़ा जुल्म मचाता है। पांचवा है मोह, मोह सकल व्याधिन को मूला, तासे उपजत बहुविध सूला, ये तो किंग है, ये तो अंगूठा जैसे हमारी सभी उंगलियों में ताकतवर अंगूठा, हालांकि सभी उंगलियां हैं लेकिन भैया सबसे ज्यादा जानदार है अंगूठा, हमारे साथ की पांच उंगलियां, इसमें पांच तत्व है, अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका, पांचों में पांच तत्व है, पृथ्वी तत्व अंगुष्ठ, अग्नि तत्व ये तर्जनी, जब भी इंसान गुस्से में होता है यही उंगली दिखाता है, और ये उंगली दिखाने से क्रोध आता है क्योंकि इसमें अग्नि तत्व है, जितने भी शुभ कर्म है अनामिका से करते हैं, आहुतियां देना होता है इस उंगली से उठाते हैं, ये आकाश तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, इस प्रकार से पांचों उंगलियों में पांचों तत्व निहित है। सबसे ताकतवर अंगुष्ठ अंगूठा, तभी तो एकलव्य का अंगूठा लिया गया था, अंगूठा, इस तरह ये मोह अंगूठे की तरह काम कर रहा है, ताकतवर सबका किंग है। मोह सकल व्याधिन को मूला, तासे उपजत बहुविध सूला, ये जो फीलिंग आ रही मेरा बेटा ये आत्मा नहीं है, ये मोह है,
ये मेरा घर, ये मेरी जमीन, ये मेरी जायदाद, ये मेरा बच्चा, ये मेरा परिवार, ये मेरा हितेश, ये मेरा शत्रु, ये है मोह। इस शिकंजे में आत्मा जकड़ी है, इससे छूट नहीं पा रही है क्योंकि समझ में नहीं आ रही है, इसलिए आत्मा डिफेम है। ये पांचों हमला कर रहे हैं, पांच लुटेरे प्रभु आपके संग में है। बहुत जतन से इस आत्मा को बांधा गया है, इसलिए जिस दिन गुरु नाम देता है इन पांचों की कमर तोड़ देता है और मन सामने आ जाता है, मन क्रिया करते हुए दिखता है। जैसे आप कभी कठपुतली का खेल देखते हैं, तो आजकल तो कठपुतली का खेल खत्म हो गया है। पुराने जमाने में स्कूलों में कठपुतली का खेल आदि ये होता था। फिल्म कैसे दिखाते थे, पहले गूंगी फिल्में थी मुझे ध्यान है, और उसके बाद में फिल्में जो चली तो कैसे दिखाते थे, 10-10 गांवों के बीच में एक फिल्म आती थी और सभी इतने खुश होते थे दिन भर कि आज तो फिल्म देखना है। काफ़ी पिछड़ा हुआ युग देखा हमने। आई इस तरह बंधो, जैसे कठपुतली का खेल जब होता है, एक पारदर्शी पर्दा होता है, उसमें अंदर बैठा हुआ, जैसे ग्लासेस है कमरे से तो आदमी देख सकता है लेकिन बाहर वाला नहीं देख सकता है, वो ऐसा पर्दा होता है, वो कठपुतली और पूरे लोगों को देखता है पर उसको कोई नहीं देख पाता है, वो नचाता है कठपुतली को। मुझे ध्यान है बच्चेपन में जब मैंने ये नृत्य देखा, हवा में कठपुतली नाच कर रही थी, मैंने सोचा ये तो निर्जीव है, नहीं नाच सकती है, क्या बात है, बच्चे खुश हो रहे थे। मैंने बारीकी से पर्दे को एकाग्र होकर के जब देखना शुरू किया, मुझे आदमी नजर आया। अब मैं उस आदमी पर पूरा कंसंट्रेट हो गया, उसके वो उंगलियों से, उसको मालूम था इस उंगली से कमर हिलेगी, इस उंगली से सर हिलेगा, इस उंगली से बाजू हिलेगा, इस उंगली से टांगे हिलेगी, वो इस तरह से मूवमेंट दे रहा था, कठपुतली नाच रही थी, संगीत बज रहा था। मैंने जब देखा मुझे अब आदमी बिल्कुल क्लियर नजर आने लगा। मैंने बाकी बच्चों से पूछा, देखो पर्दे के पीछे क्या है, बोला चुप रहो कुछ नहीं है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कोई है, ये देखा जादू है, कठपुतली नाच रही है। मैंने फिर दूसरे को कहा, बगल वाले को, वो देखो आदमी बैठा हुआ है, वही ऐसा ऐसा कर रहा है। उसने कहा है, कुछ नहीं, तुझे बहम हो रहा है। मैंने कहा वाह वाह वाह। इस तरह जब मन दिखने लग जाता है, पूरी दुनिया उसी दिन खत्म हो जाती है, क्योंकि ये दुनिया है ही मन से, पर मन अपना वजूद कभी भी नहीं समझने देता है। मन बहुत ताकतवर है, पर नाम होए तो मात नवावे, ना तो ये मन बांधना चाहे। इसलिए जब ये मन समझ में आने लगता है तो मन पर कमांड आ जाती है, अब उसका आदेश पढ़ने लग जाता है, सब कुछ समझ में आने लगता है। वह आदमी ने रॉन्ग फंक्शनिंग करके पूरे सिस्टम बॉडी के सीज कर रखे हैं, मन ने आपकी पूरी आत्मशक्ति सीज कर रखी है, इसलिए कुछ भी काम नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं आपके मोबाइल्स में कई सिस्टम्स है, इसमें तो इंटरनेट भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, ईमेल ला सकते हैं, इसके अंदर पूरे सपोर्ट्स देख सकते हैं, गाड़ियों की आप पूरी खबर ले सकते हैं, कौन सी ट्रेन, अपने पीएनआर नंबर आप देख करके इसमें अपना टिकट कंफर्म है या नहीं है ये भी देख सकते हैं, काफ़ी सिस्टम्स हैं। ट्रैवल में पहुँच करके आप देखें तो वहाँ आपको आएगा टाइम, ट्रेन शेड्यूल या कैसा क्या चीज़ है, वो फ़ौरन आ जाता है। लेकिन एक बार जब मैंने नया मोबाइल लिया, मैंने उसको मोबाइल को नया नया था ऐसा कहीं लॉक कर दिया, मुझे अभी फ़ोन आ रहे हैं लेकिन मैं फ़ोन करूं तो उसमें लिखा था ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, ये नहीं है। मैंने कहा ये क्या हो गया भाई, बिल भी दिया हुआ है, मामला क्या है। दिन भर मैं ट्रेन में यात्रा किया, कहीं फ़ोन नहीं कर सका। बाद में एक लड़के को मैंने देखा, वो लड़का मोबाइल को यूज़ कर रहा था, मैंने सोचा पढ़ा लिखा लड़का लगता है, इसको एक्सपीरियंस भी है। मैं उसके पास गया, मैंने कहा भैया एक बात बताओ, ये मेरे फ़ोन को मोबाइल को पता नहीं क्या हो गया है, मैं कहीं भी रिंग कर रहा हूँ तो वो जा ही नहीं रहा है। उसने देखा, बोला ओ महाराज आपने डबल लॉक लगा रखा है। उसने टक टक ऐसे क्लियर वो किया और ओपन कर दिया, अब हर जगह बात होने लगी। ओ रॉन्ग फंक्शनिंग करके मैंने सीज कर दिए थे सिस्टम्स क्लोज। इस तरह इंसान ने आत्म की शक्तियों के सिस्टम, मन के बटन दबा दबा करके काम क्रोध के सीज कर रखे हैं पूरे, इसलिए वन वे हो गया है, कुछ पता नहीं चल रहा है कहाँ से क्या है। गुरु बस क्षण भर में वो लॉक्स खोल लेते हैं और समझ में आ जाता है मन का पूरा खेल। दिन भर लगा रहा मैं कहीं इधर उधर, कहीं बैटरी निकालूं, कहीं कुछ निकालूं, कहीं क्या हो गया, मामला सुधरे नहीं। लड़का जानदार था, क्रैक से उसने पूरे लॉक्स खोल दिए और मोबाइल अपना काम करने लगा। इस तरह
जब सदगुरु की प्राप्ति हो जाती है पूरे लॉक्स जो लगे हुए हैं ओपन कर देता है, मन नेटवर्क पर कंप्लीट आ जाता है, स्क्रीन पर मन समझ में आने लग जाता है, तब ये आदमी मन का पूरा विरोध करता है और मन के कहने पर नहीं चलता है। मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई एक, मन पर जो असवार है ऐसा बरला कोई, कबीरा ऐसा बरला कोई, मन पर सवार हो जाता है, तब वो ये सब अनात्म काम करना बंद कर देता है। इस तरह वो शक्तियाँ उसके अंदर, ये है नाम बाना, नाम कोई अल्फाज नहीं है, ये सुरति से गुरु आपके अंदर इन दिव्य शक्तियों को जगा देता है। इसलिए संतत्व की धारा कह रही है, गुरु आपके अंदर वो शक्तियाँ जगा देगा और आपको पार कर देगा। जब ये नाम की ताकत आ जाती है उसके बाद में न काम का जोर चलता है, न क्रोध का जोर चलता है, न लोभ का जोर चलता है, न मोह का जोर चलता है। किसी ने पत्थर खींच के मारा आपको, आपने पत्थर आते देखा, आप बचाव कर ले जाएंगे, और इसी तरह से फिर मन का वार समझ में आ जाता है। मन का वार फिर आप पर कभी भी प्रभावित नहीं हो पाता है। मन जानिया बस मन चीने कोई बिरला भेदी, बस मन पर जो असवार है ऐसा बिरला कोई, मन समझ में आने लगता है। इसलिए संतत्व की धारा कर्म और संतत्व की धारा कमाई और योग को महत्व नहीं दे रही है, कृपा को। इसलिए कह रहे नाम से पार हो जाओगे। जब गुरु आपके पास ये ताकत देता है आप बिल्कुल मन के पूरे नेटवर्क को समझेंगे। जिस मन ने आत्मा को जकड़ा हुआ है मन ठीक ठीक से समझ में आता है, पढ़ने में आ जाता है। और इसलिए एक अदद गुरु जब भी नाम देता है, बार बार मैं एक बात बोल रहा हूँ, जो चीज़ मेरे पास है वो दुनिया में कहीं भी नहीं है। तो इस मेरे बात के पीछे रहस्य है। एक अदद गुरु जब भी नाम देता है आदमी के साथ तीन चीज़ें करता है। सबसे पहले क्या करता है, उसी टाइम आत्मा और मन को अलग कर देता है। आत्मा और मन जब अलग हो जाते हैं मन पढ़ने में आ जाता है, कोई तीसरी टांग नहीं लगा देते, नहीं 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 नहीं, नहीं। मन समझ में आने लग जाता है, ये काम मन का पर पूरा नियंत्रण हो जाता है। जो बड़े बड़े धुरंधर तपस्वी ऋषि मुनि मन को काबू नहीं कर पाते हैं, वो मन काबू में आने लग जाता है, मन और आत्मा अलग कर देता है बिल्कुल थ्योरी से। जैसे मंथानी घुमाई, दही से मक्खन और छाछ अलग हो गया, बस कोटि जन्म का पंथ था गुरुपल में दिया लखा है, वो अलग कर देता है। ये काम एक सदगुरु करता है। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या करता है कि आपको इतना चेतन कर देगा, आपकी सुरती को चेतन कर देगा। जब वो परम चेतन हो जाती है तो अंदर के पूरे विकार, काम क्रोध लोभ मोह समझ में आने लग जाते हैं, आप इंटेलिजेंट बन जाएंगे। तीसरा सिक्योरिटी कंप्लीट देता है। नाम पाए सत्य जबीरा, संग्रह में दास कबीरा, आपको हमेशा एहसास होगा कि मेरे साथ में एक बहुत बड़ी ताकत 24 घंटे काम किए जा रही है, यह है नाम साहब। इसलिए वाणी में कह रहे हैं संतत्व की धारा इस ओर कंसंट्रेट कर रही है, पूरी सुरती के द्वार खोल देते हैं, वो 11 द्वार खुलना है, और मन बुद्धि चित्त अहंकार की परिधियों को समझा देता है और वो समझ में आने लग जाते हैं। उसके बाद आप में बदलाव आना प्रारंभ हो जाएगा। अब आप कभी भी मन के कहने पर नहीं चलते हैं, वरना पहले क्या हालत थी, जीव पड़ा बहुलूट में ना कुछ लेने देन। आत्मदेव वो सभी काम कर रहा है जिससे इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है। दुनिया में आप जो भी काम कर रहे हैं इससे आत्मा का कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि आत्मा तो आनंदमयी है। जितनी भी क्रियाएं कर रहे हैं उनका संबंध शरीर से है, पर ये की गुरु के द्वारा जब मिल जाती है फिर आदमी इस संसार सागर से पार हो जाता है। इसको बुल्ले शाह पुष्टि कर रहे हैं, ना रब में तीर्थान डिठिया, ना रोज़ा नमाजे, बुल्ले शाह मुर्शिद मिलिया, अंदरों रब लखाया। आप में एक यूनिक चेंज कर देगा, आप संसार अलग से लगने लगेगा। देह में विदेह दर से, देह में रहते हुए भी अपने आप को आप विदेह महसूस करेंगे, मैं एक आत्मा हूँ। नाम गुरु का ले सत्संगी, जीते सारी उमरिया, नाम के रंग में रंग लेते हैं सतरंगी ये चुनरिया, बाधा उनके पास न आए, जग माया उन्हें फांस न पाए, सुमिरत बीते उमरिया, सुमिरत बीते उमरिया।
सत्संगी। नाम गुरु का तुले मन रंगी।